नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बढ़िया पाम का एनालिसिस करते, देखते इस पाम में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले तो इस पाम का कलर बहुत बढ़िया है, प्लस रेक्टेंगल पाम है तो ऐसे लोग ज़्यादातर अपना कार्य बोलकर करते, और ये पाम थोड़ा सा चौड़ा भी है तो 30% मेहनत भी करते होंगे। अंगूठा काफ़ी सशक्त है और फर्स्ट फैलेंज काफ़ी बड़ा है, तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छी खासी मेहनत करता है। हाँ, सेकेंड फैलेंज थोड़ा सा छोटा लग रहा है, हो सकता है ये अपनी बातें सामने वाले को समझाने में उतने समर्थ ना हो। अब इनकी छोटी उंगली जो है वो छोटी है, फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो ऐसे व्यक्ति याद शक्ति में थोड़े से कमजोर रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, कम्युनिकेशन तो बुध पर्वत अच्छा हो तो आ जाता है, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति आलस करता है कहीं ना कहीं, और बार बार इसके कारण जीवन में तकलीफ उठाता है। छोटी उंगली अगर आपकी छोटी है तो आप अकाउंट्स के बारे में कोई फाइलिंग करनी है तो आज नहीं कल करते, और वो डॉक्यूमेंट रह जाएगा, बाद में जब जरूरत पड़ती है तब इतना समय लगता है ढूंढने में, तो ये सारी तकलीफ ह्यूज लेवल की तकलीफ उठाते हैं। बहुत बार समय पर याद नहीं आता व्यक्ति को कि यहाँ पर क्या बोलना है, ये सारी गलतियाँ व्यक्ति के द्वारा होती है। और पाम के मुकाबले उंगलियाँ छोटी है तो त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं। ये एक तरह का एक सेल्स पर्सन के जैसा पाम है। ऐसे लोग अपना प्रोडक्ट अगर बेचना हो तो बहुत इजीली अच्छे से बेच पाते, ये इनमें खासियत अच्छी खासी होगी इस पाम में। और सभी ग्रह लगभग उभरे हुए हैं, एक आध ये बुध को थोड़ा सा कमजोर है, बाकी सभी ग्रह उभरे हुए हैं, तो व्यक्ति संपन्न भी रहता है। अब चलते हैं इनके बुध ग्रह की ओर। बुध ग्रह भी उभरा हुआ है पर बाकी पाम के मुकाबले उतना नहीं है, पर फिर भी उभरा कह सकते उसको, यानी प्रोमिनेंट है और उस पर बहुत सारी रेखा है और स्ट्रांग रेखा है। ये थोड़ा सा समाज सेवी नेचर भी इनका होगा, इनका नेचर समाज सेवी टाइप का भी होगा, समाज सेवा में भी ये ध्यान देते होंगे, और ऐसे लोगों में बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा खासा होता है। हाँ, पर यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ और यहाँ से ज़्यादा पफी है, तो हो सकता है इनको पैसे से ज़्यादा नाम के प्रति ज़्यादा, यानी पैसा इतना महत्व नहीं रखता होगा इनके जीवन में जितना नाम का महत्व रहता होगा। अब चलते हैं इनके सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर देखे तो सूर्य रेखा यहाँ से चल रही है, पर स्ट्रांगनेस इस रेखा की 57-58 से आ रही है, बहुत स्ट्रांगनेस आ रही है। ये बैठे बैठे इनको इनकम देगी बिना मेहनत के। जब सूर्य रेखा आपकी जिस पीरियड से इतनी स्ट्रांग रेखा बनती है तो व्यक्ति उस पीरियड में बैठे बैठे अर्निंग करता है, कैसा कहाँ से पैसा आता है पता नहीं चलता, एक तो सबसे बड़ी ये चीज़। और जो कार्य जीवन भर किया रहता है उसने, उस कार्य का रिकॉग्नाइज उस पीरियड में होता है, लोग पहचानना शुरू करते। जैसे एक डॉक्टर है, उसने 10 साल प्रैक्टिस की और उसका नाम उस समय नहीं हुआ, पर जैसे ही ये सूर्य रेखा ऑपरेट होनी चालू होती, यानी एक्टिव होनी चालू होती जिस उम्र से, फिर अपने आप उस डॉक्टर का नाम ले लेकर व्यक्ति अपने आप उसके दवा खाने पर आते। इस तरह की सिस्टम इस सूर्य रेखा के कारण होती है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जीवन में इस तरह की सूर्य रेखा का होना। ये रेयर साइन है, बहुत कम हाथों में इतनी अच्छी सूर्य रेखा होती है, प्लस जीवन भर इनको यश मिलता है इस रेखा के कारण। काम 100 रुपये का करेंगे, यश 1000 रुपये का मिलेगा, इतना अच्छा जीवन भर यश मिलता है। हाँ, शुरुआती समय स्ट्रगल का रहता है, यानी पसीना निकालना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, पर जैसे जैसे उम्र ढलती है
वैसे वैसे सुकून मिलना शुरू होता है। और एक बढ़िया सी साइन यहाँ पर है, ये हृदय रेखा और धन रेखा को मिलाकर इतना अच्छा स्क्वायर बन रहा है। ये बहुत मल्टीपल प्रॉपर्टी व्यक्ति को जीवन में दिलाती है ये साइन, मल्टीपल। ये बहुत बढ़िया साइन है, इनके पाम पर भी है। अब चलते हैं इनके, एक छोटी सी विद्या रेखा यहाँ पर बनी हुई है, एक छोटी सी। तो ये इनके पास जनरल नॉलेज भी अच्छा खासा होगा, लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते होंगे, और बचपन से ये सिस्टम रहती है। तो ये भी रेयर साइन है, बहुत कम हाथों में विद्या रेखा पाई जाती है। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत देखिए एकदम फ्लैट रोड की तरह, तो ये बहुत बढ़िया शनि पर्वत मानता हूँ मैं। और इस पर बहुत अच्छी अच्छी साइन है। एक ये रेखा है, ये इनके राजनीतिक इंटरेस्ट की ओर इशारा कर रही है, और इनकी उंगलियां भी उस तरह की है जो इनको राजनीतिक इंटरेस्ट दिला रही है। यानी इनका रुझान, और हो ना हो इस पीरियड में इनका ध्यान उस ओर लगेगा, और ये पीरियड होगा लगभग 62 के आसपास का। उस समय इनका ध्यान राजनीति में जाएगा, यानी एक्टिवली ये राजनीति में एंटर होंगे, इस तरह से मुझे लग रहा है। और ये जो रेखा है ये विदेश से धन प्राप्ति की ओर भी इशारा कर रही है, और इनकी एक फेट लाइन इस तरह से जा रही है। तो इनके पॉलिटिकल दोस्त, सरकारी दोस्त अच्छे खासे होंगे, ये उस तरफ इशारा कर रही है, और प्लस विदेश से धन प्राप्ति की ओर भी इनकी फेट लाइन इशारा कर रही है। अब चलते इनके गुरु माउंट पर। गुरु माउंट को देखे तो अपने आप में उभरा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख अच्छा मिलता है, पर बहुत बड़ा इलाका नहीं लिया हुआ है, पर है अपने आप में उठा हुआ, तो ये प्लस पॉइंट है। और बीच बीच में हॉरिजॉन्टल रेखा है, तो ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा कर रही है, कहीं से 4 साल, कहीं से 8 साल या 12 साल, इस तरह से इनकम इनको होती होगी या हुई होगी, क्योंकि इनको 54 ईयर्स की तो एज है इनकी अभी, तो अच्छी खासी जीवन तो इन्होंने जी लिया है। अब चलते हैं इनके, हाँ एक और कमी है, इनका शुक्र काफ़ी बढ़िया है और सामने गुरु पर्वत उतना उभरा हुआ नहीं है, तो इनको जो फल मिलना चाहिए वो फल अभी तक इनको प्राप्त तो नहीं हुआ होगा। मैं इनको उपाय दूंगा इनको स्ट्रांग करने का व्हाट्सएप पर। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो शरीर के अंदर एनर्जी तो अच्छी खासी होगी। हाँ कभी कभी हो सकता है अपशब्द भी इनके निकलते हो, क्योंकि जब अंदरूनी मंगल उभरा होता है तो उसको जमीन का लाभ तो अच्छा खासा मिलता है, पर कभी ना कभी उससे अपशब्द निकलते हैं जबान से, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और इनका भारी मंगल भी अच्छा खासा स्ट्रांग है, तो ये किसी से जब मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा, और ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जब सामने वाला कंफर्ट फील करता है तो बिजनेस अच्छा खासा हाथ में आता है, आपको विश्वास बैठता है और अगला बिजनेस देता है, तो ये भी प्लस पॉइंट है इनके जीवन में। अब चंद्र पर्वत, जिससे जिसके हाथों में विदेश से धन दाव लिखा रहता है उसका चंद्र पर्वत अच्छा ही रहता है, और हो ना हो इनका भविष्य ये कहीं विदेश में ना सेटल हो जाए। एक तरफ राजनीति की तरफ रुझान दिख रहा है, दूसरा विदेश सेटलमेंट भी इस हाथ में दिख रहा है, क्योंकि चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो विदेश की ओर आकर्षित होता ही है, और इनकी जीवन रेखा भी इस तरह से चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो हो ना हो इनके जीवन का पिछला पार्ट विदेश में भी गुजरे। दूसरा यहाँ पर एक क्रॉस साइन बनती है, तो व्यक्ति नेगेटिव सोच रखता है जीवन के प्रति, उसको डर रहता है, भयभीत होता है कि मेरा कल कैसा होगा, उसके बारे में वो हमेशा भयभीत रहता है इस क्रॉस के कारण। और चंद्र पर्वत अच्छा है
बुद्धि कौशल अच्छा खासा होता है, रिफाइंड सोच होती है, व्यक्ति के पास ज्ञान अच्छा खासा होता है। कोई व्यक्ति इनके पास बैठ जाए तो अच्छा खासा ज्ञान लेकर निकलता है। तो ये सारे गुण चंद्र पर्वत अच्छा होने के कारण होते हैं। और एक बढ़िया सी या रेखा भी, जीवन रेखा से अगर ये रेखा निकलती होगी तो बार बार विदेश यात्रा का और लॉन्ग स्टे का भी मौका इनको जीवन में मिला होगा। अब चलते इनके चंद्र पर्व शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर देखिए बढ़िया सी शुक्र रेखा है, बहुत बढ़िया शुक्र रेखा है। ये इनको जीवन में लग्जरी देती है और पैसा भी दे रही है। और शुक्र पर्वत कोई कमी है ही नहीं, अच्छा खासा शुक्र पर्वत है इनका, तो ये प्लस पॉइंट है। इनके धन लाभ के अच्छे खासे मौके ये शुक्र पर्वत इनको दे रहा है। अब चलते हैं, जिसका भी गुरु अच्छा और शुक्र अच्छा होता है उसके जीवन में धन लाभ अच्छा खासा होता है, ये एक सिंपल सा नियम है। अब चलते हैं इनके हार्ट लाइन पर। हार्ट लाइन पर देखें तो कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होती हुई एक रेखा सीधी जा रही, और यहाँ पर बहुत सारी फ्लर्ट रेखाएं। तो जब फ्लर्ट रेखाएं होती है तो व्यक्ति अच्छा खासा आनंदित रहने वाला इंसान रहता है। अगर उस पर दुख आ भी जाए तो एक सर्टन लेवल तक व्यक्ति दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और गुरु पर्वत से जब शुरू होती है हार्ट लाइन तो व्यक्ति एकदम विश्वासु किस्म का इंसान रहता है। किसी का 100 रुपया भी बाकी होगा तो सामने से याद करके दे के आएगा, इतनी अच्छी सोच रहती है। हाँ, इनकी हार्ट लाइन थोड़ी सी मोटी है तो हो ना हो थोड़ा सा हार्ट पर बोझा, यानी काम का बोझा हो या परिवार का बोझा हो, वो इनके जीवन में रहता होगा। ये इनकी हार्ट लाइन से लग रहा है, थोड़ी सी मोटी है। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन का अगर शुरुआत देखे तो ये अंदरूनी मंगल की ओर रुक करके निकल रही है। तो ऐसे लोग प्लानिंग बहुत बनाते हैं जीवन में, ज़्यादातर प्लानिंग या तो कागज पे रहते या दिमाग में रहते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं होते। और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है तो व्यक्ति में बुद्धि चातुर्य तो अच्छा खासा होता है, पर एक सर्टन लेवल तक का व्यक्ति प्रेशर सहन करता है, उसके बाद विस्फोटक हो जाता है। अब चलते हैं इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर जिग जैक है, और ये पीरियड में थोड़ा सा यव जैसा दिख रहा है। हो ना हो इनके बचपन में, अभी तो इनको याद होगा कि नहीं पता नहीं, पर ये पीरियड इनका बीमारी में भी गया हो सकता है क्योंकि यव है। और इसके बाद इनकी जीवन रेखा उम्र लगभग 22-23 से अच्छी खासी चलने शुरू हुई, और यहाँ आकर एक राहु रेखा ने ह्यूज लेवल पर काटा है, ह्यूज लेवल पर। और वो इतना सॉलिड वार है कि सीधी हृदय रेखा तक ये राहु रेखा जा रही है। तो कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना इनके जीवन में घटी होगी जो इनके हृदय को भी असर की होगी, इनके दिमाग पर भी असर की होगी, और इनके फाइनेंस पर भी असर हुआ होगा, और टोटल यानी पूरा हिल गए होंगे उस समय। ये उम्र होगी लगभग 37 के आसपास की, और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी जा रहा है। तो ये दोनों खुशी और गम दोनों साथ में मिले होंगे इनको उस पीरियड में, दोनों साइमेंटेनियसली साथ में मिले होंगे। और एक राहु रेखा ने उम्र लगभग 43 के आसपास काटा है। इस पीरियड में भी इनके जीवन में कोई ना कोई रुकावट आई होगी। ये बड़ी बड़ी राहु रेखाओं की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी तो जीवन में चलती रहती है। ये दो रेखा काफ़ी बड़ी है और ये भी अच्छी खासी मंगल की ओर जा रही है। तो हो ना हो कोई पारिवारिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मंगल की ओर से आती है राहु रेखा तो पारिवारिक प्रॉब्लम की ओर इशारा करती है।
तो ये दो पीरियड इनके जीवन के काफ़ी दुखद निकले होंगे, और उसके बाद इनका जीवन चलती चलते आगे चल रहा है, और एक राहु रेखा यहाँ पर भी काट रही है। ये होगा लगभग लगभग 50 के आसपास का पीरियड होगा, 50-52 का इस राहु रेखा का। इस पीरियड में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में आया हो सकता है, और उसके बाद इनकी जीवन रेखा आगे बढ़कर बिना राहु रेखा कटिंग वाली रेखा है, और ऐसे इसकी इनकी धन रेखा के साथ मिक्स होकर आगे बढ़ रही है, और उसके बाद इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। अच्छा खासा स्वास्थ्य रहने वाला है, अच्छा खासा जीवन ये जिएंगे। अब चलते इनके मनी ट्रायंगल की ओर देखते। मनी ट्रायंगल देखिए, ये जीवन रेखा, आधन रेखा, ये माइंड लाइन, और ये बुध रेखा। बुध रेखा भी अच्छी खासी इनके जीवन में है, तो ये भी इंडिकेशन देता है बहुत बड़े साम्राज्य खड़ा करने की ओर। हो ना हो, इन्होंने जीवन में अच्छा खासा साम्राज्य खड़ा किया हो सकता है। बुध रेखा इतना बड़ा फल देती है, बहुत लोग इनके हाथ के नीचे काम करने वाले होते हैं जब इस तरह की बुध रेखा होती है तो। और ये मनी ट्रायंगल भी अच्छा खासा है, तो धन का पैमाना अच्छा खासा होगा इनके जीवन में। अब चलते हैं इनके फेट लाइन की ओर। फेट लाइन को देखें तो कंप्लीट केतु पर्वत से शुरू हो रही है, तो जो व्यक्ति ने पिछले जन्म में पुण्य किए रहते उनको इस तरह की फेट लाइन मिलती है। बचपन काफ़ी स्मूथ ही, यानी कोई बेसिक चीज़ों के लिए इनको लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, इस तरह का बचपन इनको मिलता है जब धन रेखा आपकी केतु पर्वत से शुरू होती है। ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में तकलीफ नहीं होती डे टू डे एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर भी बहुत बड़ा कट इनके जीवन में आया है, और इसकी दिशा भी लगभग भारी मंगल से आ रही है ये रेखा। तो हो ना हो, इस पीरियड में भी उम्र लगभग ये होगी 26 साल के आसपास, कोई ना कोई पारिवारिक संकट इनकी फेट लाइन पर आया है, तो कोई पारिवारिक संकट आया होगा, उसके कारण खर्च हुआ हो सकता है। और उसके बाद इनकी फेट लाइन आगे बढ़ी, और ये पीरियड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला लग रहा है, 36 से लेके 38 तक का ये पीरियड इनके काफ़ी संकट वाला दिख रहा है। इस पीरियड में कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पर फेट लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, और उसके बाद ये संकट अच्छा खासा इनके जीवन में आया होगा 38 के आसपास, ह्यूज लेवल का संकट होगा। और उसके बाद इनकी जीवन रेखा आगे बढ़ी और इस तरह से गुरु की ओर थोड़ा सा रुक कर रही है, और यहाँ पर एक और कट दिख रहा है। ये लगभग 52-51 के आसपास इनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हो सकती है, और ये इनकी फेट लाइन यहाँ आकर स्टॉप हो रही है, और यहाँ से एक दूसरी फेट लाइन निकल रही है, और एक और यानी मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में बुढ़ापे में क्रिएट होने वाले, और विदेश से भी इनकम की ओर इशारा कर रहे। तो इस तरह से इनके पाम का एनालिसिस था। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए। इनकम की कमी इनके पास बुढ़ापे तक रहने वाली नहीं है, हाँ दिशाएं चेंज होने वाली है आफ्टर लगभग इनके उम्र में दिशाएं चेंज होगी, लगभग ये 65 साल के आसपास या 62 साल के आसपास जीवन में चेंजेस आएगा 60-62 के आसपास, और इनकी जीवन की गाड़ी दो दिशाओं में अलग अलग चलती रहेगी। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।